प्रदेश डिपो संचालक समिति ने मंडी में प्रदेश स्तरीय सम्मेलन आयोजित कर अपनी मांगों व आगामी रणनीति को लेकर मंथन किया। सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि यदि मांगों की अनदेखी की जाती रही तो डिपो संचालक आने वाले समय में प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन कर हड़ताल करेंगे। प्रदेश डिपो संचालक समिति ने मंडी में प्रदेश स्तरीय सम्मेलन आयोजित कर अपनी मांगों व आगामी रणनीति को लेकर मंथन किया। सम्मेलन में निर्णय लिया कि यदि मांगों की अनदेखी की जाती रही तो डिपो संचालक आने वाले समय में प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन कर हड़ताल करेंगे। इसके अलावा राशन न उठाने, चक्का जाम करना, मंत्रियों का घेराव आदि कदम भी समिति उठा सकती है। सम्मेलन के बाद समिति ने डीसी मंडी के माध्यम से सीएम जयराम ठाकुर को अपना मांग पत्र भी भेजा। प्रदेश डिपो संचालक समिति के अध्यक्ष अशोक कभी ने बताया कि समिति ने कई बार सीएम के पास अपनी मांगे रखी हैं, लेकिन अभी तक उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है और मांगे लंबित हैं। उन्होंने बताया कि डिपो दार्क प्रदेश के साथ केंद्र सरकार का राशन भी बांट रहे हैं, लेकिन दोनों ही सरकारों ने उनके बारे में अभी तक कुछ नहीं सोचा है। उन्होंने बताया कि मुख्य रूप से उनकी मांगों में जम्मू कश्मीर, केरल, गोवा व तमिलनाडु की तरह डिपो संचालक को सरकारी कर्मचारी घोषित करना है। उन्होंने बताया कि डिपो संचालकों को फूड लाइसेंस के लिए 10,000 रूपए नवीनीकरण शुल्क अदा करना पड़ रहा है, जबकि वे तो सरकार के राशन का ही आवंटन करते हैं। समिति ने सीएम से डिपो संचालकों को FSSAI के लाइसेंस की अनिवार्यता को खत्म करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के अधिकतर जिलों में खाद्य पूर्ति निगम के गोदामों से राशन लाने के लिए गाड़ियों के किराए में पिछले कई वर्षों से बढ़ोतरी नहीं हुई है। डिपो धारक को कम किराया दिया जाता है, जबकि उन्हें किराया अधिक देना पड़ता है। समिति ने गाड़ियों के किराए के साथ लेबर के पैसों में बढ़ोतरी करने की मांग की है। इस सम्मेलन के माध्यम से हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हमने कई बार आपके समक्ष, माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष, वो अपनी मांगें रखी, लेकिन अभी तक उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को चिन्हित किया है हमारी मांगों को, लेकिन अभी तक वो अधिकारियों के पास ही हमारी मांगें लंबित पड़ी हैं। तो हमारी मुख्य मांग है कि हमें सरकारी कर्मचारी घोषित करे सरकार, क्योंकि हम लोग जो हैं वो केंद्र सरकार का राशन भी लोगों को वितरित कर रहे हैं और प्रदेश सरकार का राशन भी हम लोगों तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ ना तो केंद्र सरकार ने सोचा, ना ही प्रदेश सरकार ने अभी तक कोई ऐसा कदम उठाया है। अगर सरकार मानती है तो हम सरकार का धन्यवाद करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री को बुलाएंगे, प्रदेश स्तरीय सम्मेलन करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री को सम्मानित करेंगे, उनके साथ चलेंगे। और अगर सरकार ने हमारा काम नहीं किया तो हम अमरण अनशन तक भी बैठने को तैयार हैं।